सुबक सुबक रोवण लगी साच बता क्यों मिसरानी और डाटे ते भी डटता है कोना तेरी आंखा का क्यों पानी डाटे ते भी डटता है कोना तेरी आंखा का क्यों पानी डटे ते भी डटता को ना तेरी आँखा का क्यों पानी डटे ते भी डटता को ना तेरी आँखा का क्यों पानी सवाल करते हैं कि विवाह शादी का अवसर है और इस शादी के अवसर पर तो खुशी मनानी चाहिए लेकिन तू उदास और रो रही है कैसे। एक नंबर पे क्या बता दिया के महारे ने गलती होई होई से के बातें बता के मारे से गलती होई होई से के बात बता और प्यासा दी मैं खुशी होवे से तू क्यों हुई उदास बता और प्यासा दी मैं खुशी होवे से तू क्यों हुई उदास बता इसे टेम पे रोते को ना इसे टेम पे रोते को ना समझण जो की सियाणी से ते भी डटता कोना तेरी आँखा का क्यों पानी डटे ते भी डटता कोना तेरी आँखा का क्यों पानी वो सुबह के रोवण लागी साच बता क्यों मिसरानी सुबह के रोवण लागी साच बता क्यों मिसरानी डटे ते भी डटता कोना तेरी आँखा का मरद ने कि मैं कह दिया ते उसका मने नाम बता गैर मरद ने कि मैं कह दिया ते उसका मने नाम बता उसको जिंदा छोड़ू को ना इतनी से मेरे में सता इसको जिंदा छोड़ू को ना इतनी से मेरे में सता सूर्यवंशी छतरी सुमे सूर्यवंशी छतरी सुमे डटे ते भी डटता कोना तेरी आँखा का क्यों पानी डटे ते भी डटता कोना तेरी आँखा का क्यों पानी सुबह के पैरो मन लागी साच बता क्यों मिसरानी ओ सुबह के पैरो मन लागी साच बता क्यों मिसरानी डटे ते भी डटता कोना तेरी
होगे तेरे घर हुई लड़ाई जो इतना दुखड़ा ठारी से के तेरे घर हुई लड़ाई जो इतना दुखड़ा ठारी से साच बता दे क्यों तो बात छुपारी से इस रानी मन साच बता दे क्यों बात छुपारी से ओ मिश्रानी मन साच बता दे तू क्यों बात छुपारी से इस रानी मन साच बता दे क्यों तो बात छुपारी से कुर्सी तेरे लाचारी से कुर्सी तेरे लाचारी से जो नहीं महाराज की तो सजनो बताते हैं कि उस अबला नारी से पूछते हैं कि तेरे साथ में क्या बात हुई है। भोजन को छोड़ देते हैं तो सजनो बताते हैं किस औरत ने बताया कि मेरी गायों को छीन करके कुछ लुटेरे मेरी गाय और बछड़ों को छीन करके मुझसे ले गए। उस समय वो राठ जाति के मुसलमान हुआ करते थे, जो लुटेरे हुआ करते थे, डाकू हुआ करते थे, चोरी करते थे और असहाय आदमियों पर औरतों पर अत्याचार किया करते थे। सजनों वो उस औरत के गाय और बछड़े छीन करके ले जाते हैं तो वो करुण पुकार करती है श्री वीर बिकाजी महाराज से, कहती है कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ी शौर्य से भरी गाथाएं सुनिए, तुम हमें वो मेरी गायों को छुड़ा करके लाओ। सजनों बताते हैं उसी समय अपने साथियों के साथ माँ पिथल को याद करके वो उन गायों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। सजनों भयंकर लड़ाई होती है और उस राठों वाली जोड़ी के नाम से जिस जगह को जाना जाता है वहां पे बहुत बड़ी लड़ाई होती है और लड़ाई में सजनों वो सारी गायों को छुड़ा करके ले आते हैं। लेकिन जब गाय लेकर के आते हैं तो उस औरत ने कहा कि मेरा एक छोटा सा बछड़ा और उनके पास रह गया। सजनों बताते हैं बीगाजी महाराज फिर से रवाना हुए तो बड़े धोखे से किसी राठ ने किसी मुसलमान ने उनको पीछे से वार कर दिया और सजनों वीर बीगाजी महाराज का सिर धड़ से अलग हो गया। तो कपटतापूर्ण व्यवहार से वो सिर धड़ से अलग तो हो गया लेकिन सजनों बताते हैं माँ पिथल माता प्रकट हुई, उनको आशीर्वाद दिया। उस समय राह जो लोग थे बहुत ज्यादा संख्या में थे और उन्होंने वीर बिगाजी महाराज को घेर लिया लेकिन माँ का वरदान साथ था। सजनों घोड़ी ने मुंह में अपना शीश उस वीर का शीश दबा लिया और बिना धड़का शरीर लड़ाई लड़ता चला गया। सजनों सारे राठों को मार गिराया और इस प्रकार से युद्ध के बाद घोड़ी शीश व धड़ सहित लगभग 70 किलोमीटर दूर उस स्थान से रेडिया पहुंची। घोड़ी के द्वारा बाढ़ को फांदने के कारण घोड़ी के मुख से शीश वहां गिर गया। सजनों बताते हैं वो शीश जब गिरा जब वो महल के अंदर प्रवेश कर गई और मां सुल्तानी ने देखा कि जो घोड़ी मुंह में शीश लिए हुए थी वो उसके बेटे का था, उसके बिगा लाल का था, जो बचपन में जो उनका नाम था विजयपाल उनका था। तो सजनों एकदम से चिल्लाई क्योंकि उस घोड़ी को भी उसकी माँ सुल्तानी ने बड़े लाड लड़ाकर के पाला था। सजनों एकदम से क्रोध से लाल हो जाती है और एक भजन के द्वारा कैसे एक छोटी सी रचना और है तो किस प्रकार से वो घोड़ी को क्या कह रही है माँ सुल्तानी और कैसे क्या बताया। बोलिए सच्चे दरबार की
बोलिए वीर बीका जी महाराज की। मुंह पढ़ो इन्हू ने जय बोलनी इनको यो। बोलिए सच्चे दरबार की। गोडा सीधा करके बैठ जाओ, थोड़ी सी देर की बात हो रहा है। और कैसे वो माँ सुल्तानी उस घोड़ी को क्या शराब देती है, और कैसे इतने लाड प्यार से पाली हुई घोड़ी उन्होंने सोचा कहीं धोखे से वीर को मरवा करके ले आई, तो कैसे आंखों में आंसू होते हैं, और उस घोड़ी को क्या कह रही आई छोटा सा भजन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल को भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।